नमस्कार दोस्तों, घरेलू टिप्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खांसी सबसे आम समस्या है जो किसी को भी हो सकती है। यही कारण है कि हम अपने गले के श्वसन तंत्र की एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं। हालांकि खांसी हर बार खतरनाक नहीं होती, कभी कभी ये कुछ अन्य कारणों से हल्के रूप में भी हो सकती है। हालांकि लगातार सूखी खांसी से ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सूखी खांसी आपके गले में जलन तो पैदा करती ही है, बल्कि आपकी दैनिक गतिविधि में बाधा भी डालती है। सामान्य सूखी खांसी के लिए घरेलू उपाय कर इससे निजात पाया जा सकता है। घर पर ही इन आसान उपायों को आजमा कर आप सूखी खांसी का इलाज कर सकते हैं, बशर्ते आपको इन घरेलू नुस्खों के इस्तेमाल के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपको सूखी खांसी की जलन और जकड़न से राहत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकें। नंबर एक है लौंग। दोस्तों, सभी के घर में लौंग होती है। आप खांसी के लिए कफ सिरप नहीं बल्कि लौंग की मदद लें। एक चिमटे की मदद से लौंग को सीधे आग में भून लें। भुनी हुई लौंग हल्की सी फूल जाती है। एक बार में 3 से 4 भुनी हुई लौंग चबा लीजिए। ये तीखी जरूर लगेगी, लेकिन आपको जल्द ही महसूस होगा कि अगले कुछ ही मिनटों में आपकी खांसी कम हो गई है। नंबर दो है शहद का प्रयोग। दोस्तों, बलगम को बाहर निकालने के लिए शहद एक प्रभावी घरेलू उपचार है। साथ ही यह एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम भी करता है। कफ की पतली झिल्ली जो गले में अटकी रहती है, जिसके कारण गले में बार बार खुजली होती रहती है और खांसी आती रहती है, ये इस झिल्ली को जल्द ही खत्म कर देता है और आपको खांसी में राहत दिलाता है। आपको इसे पीने के लिए गर्म पानी में शहद मिलाकर पिएं। नंबर तीन है नींबू। नींबू अपने एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट के गुणों के कारण कफ दूर करने में मदद करती है। बलगम वाली खांसी को दूर करने के लिए गर्म पानी के एक कप में नींबू की कुछ बूंदें निचोड़ लें, इसे घूंट घूंट करके पिएं। जल्द ठीक होने के लिए इस मिश्रण का नियमित आधार पर सेवन करें। नंबर चार है काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च किसी भी तरह की खांसी को ठीक करने के लिए कारगर है। इसके सेवन से छाती के गले में जमा कफ बाहर निकलता है और बलगम वाली खांसी व बंद नाक को खोलने में मदद मिलती है। इसके लिए आपको काली मिर्च की चाय या काढ़ा पीना चाहिए। नंबर पाँच है हल्दी। हल्दी में एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, ऐसे में इसे गर्म दूध के साथ लेने से दमा, फेफड़े में कफ और साइनस जैसी समस्याओं से आराम मिलता है। हल्दी में कई पोषक तत्व जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, तांबा, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। आधा कप उबले पानी में चुटकी भर हल्दी पिसी काली मिर्च डालकर चाय की तरह पिएं। इसे पीने से आपकी खांसी में जल्द ही आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम आपके लिए और भी अच्छे नए नए वीडियो ला सकें। दोस्तों, हमारे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।